आज मैं बनाने जा रही हूँ 3 से 4 आटा मिला के रोटी। इसको बेलेंगे नहीं, आसान है बनाना। जब भी आपको रोटी खाने का मन हो तो इस तरह बनाकर खाइए। वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए। इसके लिए एक मिक्सिंग बाउल ले ली हूँ मैं। इसमें डाल देंगे 1 कप रागी का आटा, 1/2 कप गेहूँ का आटा, 1/2 कप चावल का आटा, 1/2 कप ज्वार आटा यानी ज्यारी का आटा। आप इन आटों में जो आटा आपके पास हो उसी डाल दीजिए, जो नहीं है उसको स्किप कीजिए। इसमें डाल देंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून भर के नमक डाली हूँ मैं। नमक के साथ अच्छे से मिला लेंगे इन आटों को। अच्छे से मिला लूँ मैं नमक और आटे को। इसमें पानी डाल देंगे, गूंदने की ज़रूरत नहीं इसको। इस तरह लिक्विड वाला बैटर बना लेंगे, इस तरह, बहुत ज़्यादा पानी नहीं, इस तरह केक के बैटर से थोड़ा ना गाढ़ा होना चाहिए। इसको एक साइड ढक देंगे, गैस की ओर चलेंगे। गैस में आयरन का तवा रख लूँ मैं। तवा गर्म हो चुका है, अब देख लीजिए अच्छा खासा गर्म होना चाहिए। गैस का फ्लेम धीमा रख देंगे। इसको बिना ऑयल के कुछ भी नहीं डालेंगे, इसी में इस बैटर को डाल देंगे। इस तरह डाल देंगे, एक इस तरह प्लेट या कटोरी पीछे के हिस्से को क्रीज कर लेंगे पानी के हाथ से। इसको फटाफट फौरन इस तरह फैला लूँ मैं। इसको फौरन ढक देंगे एक प्लेट से। 3 मिनट के बाद इसको ओपन कर लेंगे, गैस का फ्लेम धीमा है। इसको इस तरह साइड्स को छुड़ा लेंगे। बहुत आसान है बनाना ये। इसको पलटा लेंगे, दोनों साइड से अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको इस तरह दबाते हुए इसको अच्छे से पका लूँ मैं। आप देख लीजिए कितना अच्छा फूल रहा है। गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा कम रखिए ताकि अच्छे से अच्छा पकना चाहिए ये। मैं जो पानी डाली हूँ गर्म पानी नहीं है, वो ठंडा पानी से ही मैं आटा बैटर बनाने के लिए ले ली थी। एक से दो बार सही नहीं होगा रोटी, तीसरे बार अच्छे से अच्छा बनेगा। एक बार तवा गर्म होने के बाद गैस को बिल्कुल धीमा करना चाहिए आटा डालते वक्त। बहुत आसान है बनाना, गूंदने की ज़रूरत नहीं, बेलने की ज़रूरत नहीं, हाथों से इस तरह स्प्रेड करने की भी ज़रूरत नहीं, इस तरह आसान से बना सकते हो। बैचलर भी इसको बनाकर खा सकते हो, बहुत मज़े का है, हेल्दी है ये। इसको निकाल लेंगे, आप देख लीजिए मैं दबाते हुए साइडों को अच्छे से पका ली हूँ। अच्छे से पकाना ज़रूरी है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, इस साइड से भी देख लीजिए अच्छे से पक गया है, पीछे वाले हिस्से से भी अच्छे से पका ली हूँ मैं इस तरह। दूसरी बार रोटी बनाने के लिए आप तवे को इस तरह निकाल लीजिए, क्लीन कर लेना चाहिए। इसको इस तरह कपड़े से पोंछ लेंगे। दोबारा डालते वक्त इस तरह मिक्स कर लेना चाहिए, आटा अच्छे से मिक्स होना चाहिए। 1 से 2 चम्मच आपको पतला मोटा आपके हिसाब से आप डाल दीजिए। इस प्लेट को अच्छे से स्प्रेड कर लियो मैं। इसको फौरन ढक देंगे, रागी का आटा डालने से वाइट हो जाएगा। 2 से 3 मिनट हो चुका है। इसको इस तरह वाइट वाइट हो तो इस तरह थोड़ा पानी लगा लीजिए इस तरह। इस तरह साइड छूट जाएगा, आप देख लीजिए अच्छे से साइड छूट गया है। इसको पलटी कर लेंगे। गैस का फ्लेम धीमा रख के ही पकाना, दोनों साइड से अच्छे से पका लेंगे।
इसी तरह सारे डाल के बताती हूँ मैं। डिश आउट कर चुकी हूँ। हमारा मज़ेदार रागी की मिक्स आटे की रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख लीजिए, बनाना आसान है। दो तीन चीज़ों का फॉलो करना है। बहुत ज़्यादा तवा गर्म नहीं होना चाहिए। इस तरह देख लीजिए, इसको दही के साथ और अलसी के चटनी यानी फ्लैक्स सीड चटनी, इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल में है, वहाँ जाके देख सकते हो। कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है इन दोनों का। आप सब्ज़ी के साथ खा सकते हो। उम्मीद है कि आपकी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे ज़रूर लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। मेरे रेसिपी देखने वालों को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज़।